up guys, this is Vigana, welcome back to my channel and this is day 3 of our Northeast ride. So abhi time ho chuka hai kitna? 8 o'clock. Time ho chuka hai 8 o'clock and abhi yahan hum log yahan se waterfall jane wale hain and this is the stay where we are now. So ye wala jo property hai, actually this is built in, ye wala property 1897 mein bana hua tha aur अर्थक्वेक भी सर्वाइव कर चुका है तो बट स्टे बहुत अच्छा है. होटल का एक्सपेंस पड़ा हम लोगों को 3000 रुपीज़ का एंड फॉर टू, सो 1500 पर हेड. व्हाट इज दिस? गोवा 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 कैमरा गोवा. ओहो क्या हो गया ये, क्या पैंट सूख रहा है? ओहो ये 900 किसके काम आ रही है भाई? ये पैंट किसकी सूख रही है पहले? इंस्टाग्राम स्टोरी लो. ये एक मतलब इधर प्रॉपर्टी के पास में रेस्टोरेंट है, मतलब इन्हीं का, होटल वालों का ही है. And it's quite clean. There's my coffee. तो हम लोग यहाँ से वाटरफॉल की तरफ जा रहे थे. एक बहुत ही बढ़िया सा स्कूल दिखा है हम लोगों को, थॉमस जॉन स्कूल ऑफ मिशन. ये बना है 1841 का बिल्डिंग है यार, और मस्त एकदम चमक रहा है, मतलब अच्छा खासा, मतलब इसको रिपेयर वपेयर करते रहते हैं. बट दिस इज़ वेरी गुड यार, मतलब बहुत ही अच्छा है. एंड एक चीज़ और अच्छी लगी मेरे को, पता है वो दिखाता हूँ आप लोगों को, कि यहाँ पे जो डस्टबिन के लिए है ना, दिस दे आर यूजिंग दिस वुड का बना हुआ, पता नहीं क्या चीज़ का है ये, किससे बनता है? जूट? नो दिस इज नॉट जूट, दिस इज मेड अप ऑफ सम लीव्स ओनली, किसी चीज़ का, आई थिंक बैम्बू लीव्स, राइट? जो थ्री स्टेप वाटरफॉल जाने का जो रास्ता है ना, बहुत ही अमेजिंग है. एक छोटा सा लोकेशन पड़ा है तो हम लोग यहाँ पे ऐसे बाइक के साथ में रुके, बट आप लोग लोकेशन दिखाओ, ये देखो, अरे ज़बरदस्त वाली फील आ जाती है. सो कुछ इस तरीके से है एंड यहाँ से अभी जस्ट 3 किलोमीटर्स रह गए, तो अभी हम लोग जाएंगे यहाँ से एंड अभी अपने साथी लोग आ रहे हैं वहाँ से. क्या भाई दौड़ा दौड़ा के ला रहे हैं? अरे दौड़ा दौड़ा ला गया, सब गलत गलत चले गए, क्या कर सकते हैं अभी. यू गाइस गॉट लेट मैन. अरे पिछवाड़ा दुख गया मेरा उसको बैठे बैठे. हिमालयन हैज डन सम हेवी ड्यूटी टुडे ब्रो. वेरी हेवी ड्यूटी एक्चुअली, वी आर मोर और लेस सेम टू द सी, हाउ मच सीसी इज इट? सो गाइस अभी हम लोग यहां से वाइसडोंग वाइसडोंग फॉल्स जा रहे हैं, तो बेसिकली यहां से रास्ता है कुछ, हम लोग अभी तक तो बाइक से आए, देन उसके बाद में हम लोगों को स्टेप्स लेने हैं. स्टेप्स हैं अराउंड 250, सो दैट इज़ ऑल्सो गुड. अभी थोड़ा सा ट्रैकिंग हो जाएगा, सुबह सुबह मॉर्निंग वर्कआउट हो जाएगा, बट यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा सा इस तरीके से स्टेप्स हैं एंड इसके बाद में थोड़ा और नीचे चले जाओगे ना तो वुडन स्टेप्स हैं, तो वो थोड़ा सा देख के चलना पड़ेगा, बट मज़ा आएगा. सो इस तरीके से कुछ रास्ता है भाई लोग, तो देख के आना फुल इनसाइड, क्योंकि शुड नॉट गेट इंजर्ड. ओ आए का क्या होगा पता नहीं, पीछे जो आ रहे. सो गाइस अभी एक और प्रॉब्लम है, अब यहाँ से और ज्यादा डिफिकल्ट हो गया अभी ना, कुछ इस तरीके से है एंड इट्स लिटिल बिट स्लिपरी, क्योंकि अभी बहुत देख के जाना पड़ेगा. वैसे ज्यादा दूर नहीं है, बट ओनली थिंग इज कि जाना थोड़ा सा डिफिकल्ट है. तो इतना सारा अभी ट्रैक करने के बाद में हम लोग अभी पहुँचे हैं
बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन पे यार, ट्रस्ट मी, मतलब इससे बेटर वर्थ ट्रैकिंग नहीं हो सकती कोई सी। तो यू हैव टू बी लिटिल बिट केयरफुल जब भी आप इधर आ रहे हो। आपको लोकेशन दिखाता हूँ यार, लुक एट दिस। तो वहाँ पे वाटरफॉल है, 3 steps वाटरफॉल है, एक उधर गिरता है, उधर गिरता है, ऐसे करके। लवली, मज़ा आ गया, इससे ज़्यादा वर्थ और कुछ नहीं है। ये देखो क्या अमेजिंग वाला वाटरफॉल है। क्या जबरदस्त है यार, इससे ज्यादा बेटर जगह कहाँ मिलेगी, ऐसा तो लद्दाख में भी नहीं देखा। अमेजिंग। चलो अभी कहाँ के ड्रोन शॉट एंजॉय करो। रेडी, 1 2 3। अभी हम लोग आए थे वेसोडोंग वाटरफॉल्स में, जो कि 3 steps वाला है, एंड ऊपर चढ़ते टाइम तो पाई लग गई है। इट्स हार्डली 250 steps, बट अपनी फिटनेस उस लेवल लाइक नहीं है। तो अभी हम लोग ने हेलमेट्स तो यहाँ पे कैप पे ड्रॉप कर दिए थे, बट अमेजिंग लोकेशन यार, मस्ट ट्राई, एक बार आओ। थोड़ा सा टाइम लेके आना, क्योंकि 2-3 घंटा लग जाएगा आराम से। नीचे जाने में ये ईजी रहेगा, बट ऊपर आने में थोड़ा सा डिफिकल्ट है। तो एनीवेज यहाँ से निकलते हैं। अभी हम लोग यहाँ से प्लान कुछ ऐसा है, ज़्यादा डिस्टेंस नहीं कवर करने वाले, हम लोग जा रहे हैं एक्चुअली शिलोंग में, एंड यहाँ से है बेसिकली 37 किलोमीटर दूर। यहाँ पे देखो बस बनी हुई है, तो मस्त लग रहा है, जगह अच्छी है, रूम अच्छा था, तो हम लोग ने सोचा कि यहीं पे रुक जाते हैं। एक और है वहाँ पे, होटल विंटेज ग्रैंड, और उन्हीं का ही पार्ट है विंटेज इन। तो यहाँ पे ये वाले जो रूम्स हैं ये 1897 में बने थे, एंड उधर वाले 2018 में बने, बट ये वाले जो रूम्स हैं ना ये अर्थक्वेक भी सर्वाइव कर चुके हैं। तो विच इज अच्छा है, अलग ऐसी प्रॉपर्टीज़ में, मतलब हेरिटेज टाइप सी प्रॉपर्टी में रहने में मज़ा आता है। तो अभी क्या सीन है, यहाँ से निकलेंगे एंड बीच में कहीं लंच के लिए रुकेंगे। ऑलरेडी 1 o'clock हो चुका है, सामान वामान अपना पैक हो चुका है। देखो यहाँ पे जिस तरीके से अभी टाई कर रहे हैं, अभी धीरे धीरे एक्सपीरियंस आते जा रहा है, मतलब कि यहाँ पे अपना लग गया मोटोटेक का बैग, राइनोस वाला पीछे टेल बैग हो गया, एंड ये वाला हो गया अपना जीबी का टैंक बैग। तो अभी निकलते हैं यहाँ से, तो ब्लू भाई का भी पूरा सामान मस्त एकदम पैक हो जाता है। देखो यहाँ पे सामान पैकिंग एक बड़ा हेडेक है, काश हम लोग बिना सामान के ट्रैवल किए होते, कितना मज़ा आता है ना। तो ये देखो, ये तो बिल्कुल परफेक्ट एकदम मैच खा के जगह बनी हुई है। तो गाइस यहाँ से निकल रहे हैं, सो दिस इज अवर प्रॉपर्टी, मज़ा आ गया यहाँ पे रह के यार। एंड ये है विंटेज ग्रैंड विच वाज टॉकिंग अबाउट, फोन वन देख लेते सही से रखा है कि नहीं। चलो थे लंच के लिए, एंड दिस इज ऑरेंज रूट्स प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, मतलब बहुत ही अच्छा है, मतलब क्वालिटी वाइज वेज जो हम लोगों ने खाया दैट इज़ वेरी गुड। एंड दिस इज रन बाई गवर्नमेंट ऑफ मेघालय, तो ऑरेंज रूट्स एक्चुअली उन्हीं का ही है। तो अच्छा है यार, मतलब अच्छा लगा मेरे को लंच वंच जो भी था, वेजिटेरियन में पहली बार अभी अच्छा मिला है यहाँ पे, वरना बाकी जगह वो दाल जो मिल रहा है ना बहुत ज़्यादा, मतलब प्लेन सा, बिल्कुल हॉस्टल वाला दाल सुना है, मतलब वैसा टाइप सा है।
से अभी हम लोग निकल रहे हैं शिलोंग, एंड शिलोंग में जाके हम लोग देखेंगे अगर कुछ लोकल एरिया में कुछ एक्सप्लोर करने लायक रहेगा तो घूमेंगे। तो अभी यहाँ से दो ग्रुप बन चुके हैं, एक ग्रुप गया है केव्स देखने के लिए, आई वाज नॉट इंटरेस्टेड इन सीइंग द केव्स, तो हम लोग यहाँ से फिर शिलोंग जा रहे हैं। तो शिलोंग में जाके एक्चुअली एडिट वेडिट भी करनी है, आप लोगों के साथ भी जुड़े रहना है, तो सब्सक्राइब कर दो इसी बात पे चैनल को मेरे, तो सब्सक्राइब करोगे तो दिखेगा। एंड यहाँ पे देखो यार क्या सही वाले नज़ारे चल रहे हैं यार, ये पूरा नॉर्थ ईस्ट में मतलब फाड़ वाली मस्ती कर रहे हैं हम लोग। ये देखो गाइस, तो अभी हम लोग यहाँ से शिलोंग से अराउंड 25 किलोमीटर दूर हैं, और बेसिकली यहाँ पे एक एयरफोर्स बेस भी पड़ता है। तो देखो भाई लोग, आप लोगों ने कभी देखा है ऐसे मशीन चलता हुआ पेट्रोल का? यहाँ पे ऐसे पेट्रोल मशीन चल रहा है कि उधर नीचे जो पंप है वो बेसिकली ऊपर लेके आ रहा है पेट्रोल को। मैंने कभी नहीं देखा भाई, एक्सक्लूसिव कंटेंट है। सो गाइस, वन मोर फ्यूलिंग स्टॉप, अभी पड़ा है पेट्रोल 700 रुपीज़ का, बेसिकली टॉप अप करा है तो अभी पूरा हो चुका है। और ये भरवाना है क्या एयर प्रेशर? चलो चलो। सो गाइस, ये देखो ये आ गया है यहाँ पे राइट साइड में एयरफोर्स स्टेशन शिलोंग का, एंड शिलोंग यहाँ से बेसिकली 11 किलोमीटर दूर है, एयरफोर्स का बेस एनी हाउ थोड़ा सा बाहर की ओर रहता है। तो देखो गाइस, गूगल आंटी ने कितना घुमा दिया हम लोगों को, मतलब गूगल आंटी अपना हरकतें नहीं छोड़ती यार, मतलब हर राइड में अभी हम लोगों को घुमा के पूरा कहाँ पे लेके फेंका है बता नहीं सकते। इधर से यहाँ पे हम लोग गए इस रास्ते से उल्टा, वो हमें शॉर्टकट दिखा रहा था, बट बीच में एयरफोर्स स्टेशन है, एयरफोर्स स्टेशन का एंट्री और एग्ज़िट है। देखो मेरे तो घर वाले डिफेंस में थे, मेरे को छोड़ दे रहे थे, बट फिर अगेन सीन पड़ जाता है बुलू भाई और अभिजीत के लिए, तो अभी सीन क्या हुआ ना, अभी दोबारा से वापस जा रहे हैं, देन उसके बाद वहाँ से आगे जाएंगे। यहाँ पे बेसिकली जो मेन शिलोंग सिटी में वहाँ पे आ चुके हैं, सो दिस इज़ कमांड एरिया है, यहाँ पे MH शिलोंग भी है यार। अच्छा लगता है मेरे को, मतलब ऐसे दोबारा से ऐसे डिफेंस एरिया देख के ना, यही सब जगह रहे हैं। शांति वाला इलाका लगता है पूरा।